सराहनीय है, क्योंकि हम देख रहे थे कि लाउड स्पीकरों की वजह से आजकल आपसी मानवता में खतरे में पड़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितने भी मंदिर मस्जिदों वाले, हमारा कार्य है कि हम जागृत करें लोगों को, न कि उनके बीच में किसी तरह की ईर्ष्या तृष्णा पैदा करें। तो मैं इस कार्य को बहुत सराहनीय समझता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिया उसका मैं पूरी तरह से निर्देश का पालन कर रहा हूँ। मैंने मठ बागम्बरी गद्दी आज बड़े हनुमान मंदिर में हमने लाउड स्पीकरों की आवाज़ बिल्कुल कम कर रखी है, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ ये कार्य बहुत सराहनीय है और ये बहुत अच्छा है। बाकी संतों को किस तरह से, बाकी लोअर मंदिर हैं उनमें किस तरह से आप अपना बात रखना चाहते हैं, किस तरह से कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ शासन प्रशासन में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी को बुलाया गया था, सारे समाज के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हम चारों वर्णों के लोगों को, वहाँ भी हमने ये सुझाव दिया है कि भाई आप सभी लोग भी इस पालन का, निर्देशन का पालन करें, क्योंकि ये बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं समझता हूँ कि धर्म का कार्य ही प्रेरणा प्रदान करना है, न कि ईर्ष्या तृष्णा देना है। तो ये कार्य सराहनीय, और मैं सबको यही कहूँगा कि आप लोग इस निर्णय का सहभागी बने और सहयोग करें इसका।